वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सारणिक से रिलेटेड कुछ और स्पेशल रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज के रूल्स जो है, यदि यदि सारणिक की यदि सारणिक की किन्हीं दो समांतर आसन पंक्तियों या आसन स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता किंतु चिन्ह बदल जाता है। तो कहने का मतलब है, अगर किसी सारणिक में कोई भी पंक्ति हो सकता है, कोई भी स्तंभ हो सकता है, उनका आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी कि आपस में अदला बदली कर दिया जाए, तो उस सारणिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, किंतु किंतु साइन चेंज हो जाता है, यानी कि उनके क्योंकि उन किंतु चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये होता है साइन में। जैसे एग्जाम्पल में आपका सारणिक दिया हुआ है, द्वितीय द्वितीय कोटि का सारणिक आपको गिवन है, तो यहाँ पे A1 और A2, B1 और B2 इस तरीके से दिया हुआ है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम A1 की जगह A2 कर दें और B1 की जगह B2 कर दें और A2 की जगह A1 कर दें और B2 की जगह B1 कर दें, तो इनकी आपस में अदला बदली हो गई। तो यानी कि जो आर वन में था उसे आर टू वाले में कर दिया, जो आर टू में जो था वो उसे आर वन वाले में कर दिया, तो यानी कि पंक्तियों का आपस में अदला बदली कर दी गई। तो इस तरीके से उसकी वैल्यू तो नहीं बदली, लेकिन माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर कोई कॉलम है C1 का C2 में कन्वर्ट कर दिया, C2 का C1 में कन्वर्ट कर दिया, तो इस तरीके से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन साइन बदल जाएगा। तो इस तरीके से A1 अपान A2 की जगह B1 अपान B2 कर दिया और B1 अपान B2 की जगह A1 अपान A2 कर दिया, तो ये आपका इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ माइनस आया है। इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। आपस में या तो कॉलम का कॉलम में इंटरचेंज कर दो या रो का रो में इंटरचेंज कर दो, तो इस तरीके से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, यानी कि हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें ये किया, R1 का R2, यानी कि ये R1 है और ये इस तरीके से R1 को हमने R2 कर दिया और R2 को हमने R1 कर दिया। तो इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे R1 चल रहा है, पंक्ति की अदला बदली हुई। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलम की अदला बदली हुई है, C1 को हमने C2 कर दिया, ये कहने का तो कहने वाला जो C1 था उसको हमने C2 कर दिया, जो C2 है उसको C1 कर दिया। तो इसको हम इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, रीजन में आप ये दिखा सकते हैं। अब बात आती है, यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियां, दूसरा रूल्स है, यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ, या तो पंक्तियों में होगा या तो स्तंभों में होगा, तो उनके पंक्तियों की संख्या या स्तंभों की संख्या समान होती है, या समान मतलब बराबर, सर्वसम का मतलब होता है इक्वल, इक्वल मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में सेम होती है, तो उस सारणी का मान जो होता है वो शून्य होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे तृतीय कोटि का सारणी दिया हुआ है, A1 B1 C1, फिर जो R1 में गिवन है वही चीज R2 में भी गिवन है, जो R1 में जो एलिमेंट है वही R2 में भी एलिमेंट है। तो A1 A1 B1 C1 और R2 वाले में A1 B1 C1, तो R3 वाले में A3 B3 C3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे R1 की जो वैल्यू है, R1 दोनों आपस में, R1 और R2 के जो एलिमेंट है वो आपस में सेम है, तो जब सेम हो रहा है तो इस तरीके से इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे इसमें देखिए, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A1 B1 C1। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है,
ये दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम है तो इसको हम कह सकते हैं कॉलम सी वन जो है वो कॉलम सी थ्री के बराबर है, कॉलम सी वन जो है वो कॉलम सी थ्री के बराबर है। तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं कि सी वन और सी थ्री कॉलम सी वन के जो अवयव हैं वो कॉलम सी थ्री के इक्वल है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो सारणिक की जो वैल्यू आएगी वो जीरो होगी। बस कंडीशन के हिसाब से बस ध्यान रखना है, यदि किसी सारणी में कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ अगर बराबर हैं तो उस सारणी का मान शून्य होता है, उस सारणी का मान शून्य होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे नंबर वाला देख लेते हैं, ये तो था अल्फाबेट के हिसाब से। अब मान लेते कोई भी नंबर हमने ले लिया, जैसे कि हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 ये दिया है। हमको पता है रूल्स के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से हमें इसके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें नहीं निकालना है, क्योंकि अगर रूल्स हमें पता होगा तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू हमेशा पता चल जाती है रूल्स के हिसाब से। ऐसे तो आप रूल्स निकालोगे तो इसका आंसर ऐसे, आप इसका इस सारणी को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉलम फर्स्ट जो है कॉलम टू कॉलम थर्ड के इक्वल है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं सी वन जो है वो सी थ्री के इक्वल है, इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी वो जीरो आएगी। बस सिंपल सा, आपको इसकी डिटेल इसकी इस सारणी को कैलकुलेट नहीं करना है, बस आपको डायरेक्ट आंसर जीरो लिख देना है। अब मान लीजिए अगर कोई भी ऐसा दिया 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे दिया हुआ है नंबर। अब रूल्स के हिसाब से देखते हैं, अगर इनके इनको आपस में अदला बदली कर दें, मान लें कि R1 को हमने R3 के साथ हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो आपस में इंटरचेंज कर देते हैं 3 6 9 2 5 8 2 5 8 1 4 7, तो जो चीज़ R1 में था वो हमने R3 में कर दिया, मतलब जो चीज़ R1 में था वो हमने R3 में कर दिया और जो चीज़ R3 में था वो हमने R1 में कर दिया। तो इससे क्या समझ में आया, इसकी जो वैल्यू हुई वो निगेटिव में आ गई, ये प्लस में था तो इसकी वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू अगर कुछ भी आएगी प्लस में आएगी, लेकिन अगर इसके आपस में इंटरचेंज कर देंगे यानी कि इनका R1 में पंक्तियों के साथ अदला बदली कर देंगे तो इनकी वैल्यू माइनस में आएगी, वैल्यू वही होगी यानी कि इनका मान वही आएगा लेकिन इनका साइन बदल जाएगा। अब हम इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, अभी तो मैंने इसको पंक्तियों के साथ अदला बदली की, अब इसको कॉलम के साथ अदला बदली करते हैं। मान लेते इसका इंटरचेंज इसके साथ कर दें 4 5 6 1 2 3 7 8 9, तब भी इसकी वैल्यू माइनस आएगी, इस सारणी की वैल्यू माइनस में आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगा लेकिन जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू तो वही आएगी लेकिन इसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी, सेम आएगा आंसर लेकिन निगेटिव में आएगा आंसर। तो बस इतना सा आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको इस सारणी के जो कॉन्सेप्ट रूल्स को अगर आप समझ जाते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आने लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।